फाइनली रियलमी का भी नंबर सीरीज लॉन्च हो चुका है, रियलमी 10 प्रो प्लस। सीरियसली उसका कर्व डिस्प्ले बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और अच्छे खासे फ्लैगशिप फोन से ना ज्यादा बेहतर कर्व डिस्प्ले है, मतलब चिन भी बहुत ज्यादा कम है और जिस प्राइसिंग में आ रहा है क्या ही बात करें। हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग इसी फोन को एक और फोन से भिड़ाने वाले हैं, रियलमी 10 प्रो प्लस वर्सेज रेडमी नोट 12 प्रो प्लस। दोनों में प्लस है, देखते हैं कौन ज्यादा प्लस निकल के आता है। पता है रेडमी और रियलमी इतना सिमिलर साउंड करता है ना, कभी कभी रेडमी वाले रियलमी के सबसे अच्छे जाते हैं और रियलमी वाले रेडमी के, सेम ऐसे ही चीज में स्पेसिफिकेशन में हुआ है। दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा क्लोज है। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। दोनों फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले है, बस डिस्प्ले में एक ही फर्क है कि रियलमी के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है और जो चिन है ना वो भाई 2 मिलीमीटर का है, बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा थिन निकल के आता है। कर्व डिस्प्ले मतलब जो फोन का एक्सपीरियंस ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम बना देता है। बाकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट एकदम सिमिलर है, दोनों फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और दोनों फोन एमोलेड पैनल के साथ में आता है। फ्रैंकली बोलूं ना, कर्व डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्रीमियम फील करता है। इवन मेरे OnePlus 8 के अंदर भी कर्व डिस्प्ले है और जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही कमाल का निकल के आता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं ना, कर्व डिस्प्ले इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले, क्योंकि बॉर्डर्स इसके कर्व रहते हैं तो अगर गिरा तो चांसेस ज्यादा होगा कि कर्व डिस्प्ले पहले फूटेगा एज कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले। एक फोन में डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है और रियल मी ने ना फाइनली अपने डिजाइन को रिवैम्प किया और बहुत ही कमाल का डिजाइन निकल के आया। कुछ इस तरह का दो बड़ा बड़ा गोला है जिसके अंदर छोटा छोटा गोला है, तो हाँ ये रियलमी का जो 10 प्रो प्लस है ना वो देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। इवन रेडमी ने अपने डिजाइन को चेंज किया है, लेकिन हाँ रियलमी का डिजाइन ज्यादा कमाल का लगता है एज कम्पेयर टू रेडमी के फोन का डिजाइन। बात करते हैं कैमरा के बारे में, दोनों फोन ना मस्त मेगा पिक्सल वाला गेम किया, मतलब जितना ज्यादा मेगा पिक्सल, बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा मेगा पिक्सल होगा उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा, उतना ज्यादा आपको अच्छा फोटो मिलता है। देखो मेगा पिक्सल से रेजोल्यूशन फोटो का बढ़ जाता है, क्लैरिटी तो आता ही है लेकिन बाकी सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। रेडमी की नोट 12 प्रो प्लस में आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा है, लिटरली भाई 200 मेगापिक्सल, मतलब आपका जो फोटो निकल के आएगा ना उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगा, रेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन। बाकी बात करें तो सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा वाइड वाला 8 MP का है और लास्ट कैमरा चिंदी चोरी 2 MP का आपको मैक्रो मिल जाता है। भाई कौन ही यूज करता है यार, सीरियसली बोलूं कि चिंदी चोरी ना बस रेडमी तक डिपेंड नहीं है, ये रियलमी ने भी किया है। रियलमी का प्राइमरी कैमरा आपको 108 MP का है, कमाल का है। साथ में बात कर सेकेंडरी कैमरा सिमिलर 8 MP, लास्ट कैमरा 2 MP वही मैक्रो वाला। बाकी मेगा पिक्सल के ऊपर बात करूं तो हाँ रेडमी यहाँ पे विनर निकल के आता है, 200 मतलब जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेहतर नहीं, ऐसा नहीं होता, बाकी सब ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ सैंपल शेयर करूँ ना, ये रेडमी के फोन का फोटो है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैसिव निकल के है। देखो ऑफकोर्स मेगा पिक्सल ज्यादा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन हाँ ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा वो फोन पे डिपेंड करता है। इवन बात करें सेल्फी कैमरा के बारे में ना, दोनों फोन में एकदम सिमिलर कैमरा है 16 MP का, तो हाँ सेल्फी कैमरा में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। दोनों में 16 MP है, एटलीस्ट 32 मिलना चाहिए था। बाकी दोनों फोन में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, तो हाँ वीडियोस में भी मस्त स्टेबिलाईजेशन मिलेगा। इवन दोनों फोन में आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाता है, बैटरी अच्छा खासा है, जूस लंबा खासा मिलने वाला है। रियलमी के फोन में आपको मिलता है 67 W का फास्ट चार्जिंग, लेकिन ऑन द अदर हैंड रेडमी ने थोड़ा ज्यादा और पावर दिखाया है, 120 W का आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में अवेलेबल कराया है। एक तरफ सैमसंग एप्पल चार्जर रिमूव कर रहे हैं और बेचारे भले लोग रियलमी रेडमी बड़े बड़े चार्जर अपने बॉक्स में दे रहे हैं, भला हो भाई इन लोगों का। इस मामले में रियलमी 10 प्रो प्लस ज्यादा बेहतर निकल गया था, क्योंकि रियलमी के 10 प्रो प्लस में नेटिवली पहले से आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने मिल जाए, जो बहुत ज्यादा क्रेजी बात है। एंड्रॉइड 13 अभी है, मतलब 3 साल का आपको और अपडेट मिल जाएगा, 14, 15, 16, तो हाँ ये बहुत ही क्रेजी होगा। बाकी रेडमी के फोन में एंड्रॉइड 12 देखने मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ इस तरह का मिलता है। जहां तक मेरा विचार है ना, अब जितने भी कंपनीज नया फोन लॉन्च कर रहे हैं तो एंड्रॉइड 13 उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जितने भी कंपनीज अभी बाद में अपडेट पुश करेंगे तो हाँ एक अपडेट कम मिलेगा अगर वो एंड्रॉइड 12 पे आएगा, अगर 13 पे आता है तो एक अपडेट ज्यादा मिलने का चांस है, जो अच्छी बात होगी। तो एंड्रॉइड 13 होना चाहिए, इसमें रियलमी ने अच्छा काम किया है। बात करते हैं अब पावर के बारे में, क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत ज्यादा मैटर करता है, गेमिंग कैसे चलेगा। दोनों फोन मिलता है एकदम सिमिलर प्रोसेसर, डायमेंसिटी का 1080 का प्रोसेसर, और जहां तक मेरे को लगता है ना ये अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इवन ये प्रोसेसर बैटरी इफिशियंट भी है और ये आपको 6 nm फैब्रिकेशन पर मिलता है, 4K HDR तक रिकॉर्ड कर सकता है और अच्छा खासा इफिशियंट होने वाला है। गेमिंग में आई डोंट थिंक कोई शिकायत होने वाला है, अगर रेडमी और रियलमी चाहे तो 90 FPS का आपको BGMI और बाकी सब गेमिंग में सपोर्ट दिला सकता है। दोनों फोन में आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, तो अच्छा खासा स्टोरेज आपको बड़ा देखने मिलता है, तो हाँ इसमें कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बात करते हैं अब
प्राइसिंग के बारे में, Realme का 10 Pro Plus आपको 22,900 रुपीज में बाहर के कंट्री में मतलब चाइना में लॉन्च हुआ है। अगर चाइनीज प्राइसिंग को इंडियन में कन्वर्ट करो तो 22,900 में ये Realme ने अपना फोन लॉन्च किया है। प्राइसिंग बहुत ज्यादा कमाल का है। बात करें Redmi के बारे में, Redmi ने 1,000 महंगा 23,900 रुपीज में लॉन्च किया है ये फोन को चाइना के अंदर। तो हाँ, तगड़ा तो प्राइसिंग है यार, और जिस प्राइस में फोन आ रहा है बहुत क्रेजी स्पेसिफिकेशन है। देखो सीधा सीधा बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, कौन सा फोन लेना चाहिए किसको। दोनों फोन का प्राइसिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस 1,000 का फर्क है। 1,000 के फर्क में आपको क्या देखने को मिलता है ज्यादा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका पहला प्रायोरिटी डिस्प्ले है ना, फॉर श्योर आपको Realme का फोन बहुत ज्यादा क्रेजी लगने वाला है। कर्व डिस्प्ले है और बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है व्यूइंग एक्सपीरियंस को। लेकिन अगर आपका पहला प्रायोरिटी कैमरा है तो Redmi का फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आएगा। 200 मेगापिक्सल कैमरा है, नया कैमरा है और अच्छा खासा आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। देखो मेरा प्रायोरिटी डिस्प्ले होता है, मेरे को अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो मैं तो Realme की तरफ जाता। डिस्प्ले ज्यादा बेहतर आपको Realme के फोन मिल रहा है और कैमरा 108 एमपी का सेटअप है तो इतना कुछ खराब भी नहीं है। कुछ इस तरह का निकल के है दोनों फोन का कंपैरिजन स्पेक्स का। कौन सा फोन आपको ज्यादा बेहतर लगा आपको कमेंट करना। इवन ये फोन इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर तक मेरे को लगता है पक्का आ जाएगा, या दिसंबर में पक्का इस फोन का कुछ ना कुछ ऑफिशियल टीजिंग स्टार्ट हो जाएगा और प्राइसिंग 1-2 हज़ार बस ऊपर होने वाला है। 25,000 के अराउंड में दोनों फोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह का आज का हमारा वीडियो निकल के है। अगर आपको ये वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, फॉर द सब्सक्राइब कर लो, घंटी को बजा लो ताकि ऐसे आपको रोजाना मिलते रहे। 200 लाइक टारगेट था, प्लीज कंप्लीट कर देना।